आसमान से बातें करती महंगाई में भी सब अच्छा का राग गलापने वाले मुशीरे खजाना सब्जियों की कीमतों से भी लाइन निकले। टमाटर की 17 रुपए किलो में फरोख्त के बयान पर हफीज शेख अवाम में मजाक बन गए। मुल्क भर में सब्जियों की कीमतें इन दिनों आसमान को छू रही हैं। टमाटर 250 से 300 रुपए फी किलो की रिकॉर्ड सतह पर फरोख्त हो रहे हैं। इसी तरह मार्केट में अदरक 400 रुपए, प्याज 80 रुपए, मटर 140 और भिंडी 150 रुपए तक फरोख्त की जा रही है। लेकिन इसके बरक्स मुशीर खजाना को हर तरफ दूध और शहद की नहरें बहती दिखाई दे रही है। गुज़श्ता रोज हुकूमत की मौशी टीम की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सहाफियों ने टमाटर की कीमतों का मामला उठाया तो मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख ने कहा कि कराची की सब्जी मंडी में टमाटर 17 रुपए किलो मिल रहा है, लोग झूठ बोल रहे हैं, आप जाएं जाकर चेक करें। सब्जी मंडी में 17 रुपए किलो टमाटर। मुशीर खजाना के इस लाइलमे पर उनके अपने भी किसी से पीछे न रहे और पीटीआई के रहनुमा आमिर लियाकत हुसैन ने भी उनके बयान पर ट्वीट कर डाला। उन्होंने लिखा है कि हफीज भाई 17 रुपए किलो टमाटर वाला एक ट्रक मुझे दिलवा दे, मुनाफे को आधा आधा बांट लेंगे।